सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं स्टेशनरी ज्ञान चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पायलट की जो V5 या फिर V7 पेन आती है, आप उसमें कार्ट्रिज सिस्टम में कैसे कार्ट्रिज को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे है हमारे पास इसका कार्ट्रिज जिसमें दो पीस आपको मिलती है। प्राइसिंग इसकी लगभग 30 रुपीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन आपको ये 25 रुपीज़ की मिल जाएगी अगर आपका दुकानदार अच्छा होगा तो। ठीक है, तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे चीज़ें हैं और बात करते हैं कि कैसे इसको हम फिल कर सकते हैं। चल भाई डीजे गाना बजा दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास दो यूनिट मिल जाती है इसके कार्ट्रिज की, जो कि ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और इसको कैसे पेन में लगाना है वो भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ट्रिज वाली पेन होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास है V7 की पायलट की कार्ट्रिज सिस्टम वाली पेन। तो इसमें से हम इसकी कार्ट्रिज को निकालेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी आपके अंदर पावर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसके कार्ट्रिज को खींच लेंगे और खींचने के बाद आपको एक सॉकेट होगा अंदर, उसमें इसको ऐसे पुश कर देना है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद आपकी पेन बिल्कुल नए जैसे हो जाएगी, जैसे आप दुकान से लेके आए थे, और इसे आप इजीली कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर दिया है इनको अपने टेबल पे, जो कि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बट मुझे दिख रहा था, हाथ पे लगा हुआ था इंक बहुत ज़्यादा। और देखो, आप लिख के भी देख सकते हो कि कितनी अच्छी चल रही है ये पेन, और बिल्कुल नए जैसे हो जाती है यार। आप इसको फिर यूज़ कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कि 25 रुपये में आपको दो यूनिट मिलता है, यानी कि आप दो बार इसको फिल कर सकते हो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।